वेलकम बैक टू माई चैनल मिंस ब्लॉग। मैं हूँ मीनाक्षी और आज एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। अभी एक्चुअली मैं ऑफिस से आई हूँ थोड़ी देर पहले, तो मैं उसके बाद की आपको जर्नी दिखाती थी क्या करते हैं हम क्या नहीं। और आज ना मतलब मैं कुछ टेस्टी सा अलग सा कुछ खाने का मन था, तो मैंने एक कोरियन डिश ट्राई करने का सोचा। उसका नाम तो सच में मुझसे समझ नहीं आ रहा था, ना मुझसे लिया जा रहा था, तो इसलिए मुझे भी नहीं पता नाम। लेकिन हाँ, मुझे मैं बोल पाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी आपको। लेकिन हाँ, मैं दिखाऊँगी कि कैसे बनाते हैं वो डिश। वो डिश एक्चुअल में राइस पेपर की है और बस उसी की प्रिपरेशन कैसे क्या बनाते हैं वही मैं आपको आज दिखाऊँगी इस व्लॉग में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले ना इस डिश के लिए हमें राइस पेपर से हमें बनाने पड़ेंगे राइस केक। और उसके लिए हम पहले राइस पेपर लेंगे, उसे पानी में डिप करके सॉफ्ट करके और एक के ऊपर लेयर लगा के तीन लेयर वाला ऐसे हम राइस पेपर बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें इसके राइस केक बनाने हैं, सो हम उसे धीरे 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 ऐसे करके रोल करेंगे। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही सीखा है वैसे। तो रोल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो एक शीट से हम मतलब हमने तीन शीट के एक रोल बनाया और उसके तीन पीसेस कर लिए हैं और हमारे राइस केक है तैयार। और अब आ गए हैं हम किचन में और प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई है स्टार्ट। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं डिश। में एक पैन कढ़ाई जो आपके पास अवेलेबल हो उसे लेना है, उसमें थोड़ा सा बटर डाल देना है या तेल भी डाल सकते हैं आप, रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पे हमारा बटर मेल्ट हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पनीर। पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स लेके और उन्हें डाल देना है और हल्का हल्का सोते कर लेना है, ज़्यादा नहीं बस हल्का हल्का। अब हल्का हल्का हमारा पनीर हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें हमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको भी हल्का हल्का सोते कर लेना है। जब ये हल्का कलर चेंज करने लगे लहसुन अदरक, तब तक इसको हल्का हल्का फ्राई करते रहना है। अब लहसुन और अदरक हो चुके हैं, इसमें मोटा कटा हुआ प्याज डाल देना है और इसको थोड़ा सा भून लेना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सोते करना है। प्याज हल्के हल्के हो चुके हैं, अभी इसमें पानी ऐड कर देना है डायरेक्ट। जैसे ही इसमें उबाल आने लगे इसके अंदर आप ऐड करेंगे सबसे पहले सोया सॉस, करीब 1.5 चम्मच के करीब इसमें सोया सॉस डालना है। इसके बाद ऐड करेंगे 1.5 चम्मच विनेगर, इसके बाद हम टमाटो केचप ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 चम्मच वो भी करीब करीब, थोड़ा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच डालूंगी। और साथ में ही इसमें थोड़ा सा 1.5 चम्मच के करीबन ही शेजवान सॉस डाल लेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा मतलब क्या आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है या नहीं उस हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ 1.5 चम्मच ही यूज़ करूँगी। और एक छोटा चम्मच इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ी स्पाइसी खानी है, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा तीखा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दूंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रह गई अभी तक, तो वो भी हम इसमें करेंगे अभी ऐड, यानी कि नमक। तो नमक बहुत ही सोच समझ के इसमें डालना होगा क्योंकि हमने जो सॉसेस वगैरह डाली हैं इसके अंदर उनमें ऑलरेडी होता है थोड़ा नमकीन,
तो इसलिए अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। मैं यहाँ पे आधी चम्मच से भी बहुत कम ले रही हूँ क्योंकि मेरे डिश का जो है क्वांटिटी कम है। आप इसे पकने देंगे और अच्छे से थोड़ा सा और ठीक हो जाए, गाढ़ी हो जाए। अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत है तो डाल लीजिएगा, अदरवाइज इसी को ही थोड़ा सा पका लीजिएगा अच्छे से। मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डालूँगी इसको और अच्छे से इसको पकाऊँगी। मुझे इसमें थोड़ी पानी की कमी लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है और इसे अच्छा सा उबाल आने देंगे। इवन थोड़ा पानी को हम कम करेंगे पका पका के, तो इस पर थोड़ा ढक्कन ढक के और हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। जैसे ही इसमें उबाल आने लगे, इसमें जो हमने राइस केक बनाए थे वो इसके अंदर डाल देंगे, ताकि जैसे जैसे ग्रेवी पके उसमें उसका राइस केक में जो भी इसका फ्लेवर है ना वो सब इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। तो हम इसके अंदर राइस केक ऐड कर देंगे जो हमने बनाए थे और इसको अब अच्छे से पकने देंगे इसके अंदर ही इन्फ्यूज़ होकर। और आप अपने अकॉर्डिंग इसकी ग्रेवी रख सकते हैं। मैं थोड़ी थिक, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको थिक होने दूंगी। तब तक इसके अंदर अच्छे से फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा राइस के लिए। इसे ढक के हम रख देंगे पकने के लिए। तो जब तक हमारी डिश पक रही है तब तक मैंने सोचा मैं आपको इस डिश का नाम ही बता दूँ जो कि मैंने बोला है और मैंने पढ़ा है, जब जाके मैं आपको बता रही हूँ, वरना मेरे से तो लिया जान ही ना था। इस डिश का नाम है राइस केक ट्योकबोकी, राइस केक ट्योकबोकी। तो बेसिकली ये राइस शीट होती है, उसके तरीके से बनाए जाते हैं, मतलब उससे बनाए जाते हैं, राइस केक से बनाए जाते हैं, तो उसी की डिश है ये। तो देखते रहिएगा क्या रिज़ल्ट आता है, क्या नहीं आता, कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, मैं आपको बताऊँगी। और अगर आपको अच्छा लगे या फिर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा कुछ नया। तो फिर आइए चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँची हमारी डिश, आइए। सो अभी हो गया है टाइम इसको थोड़ा सा रखे हुए, तो आई गेस कि पूरा पक गया होगा। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं ढक्कन को। वाओ, अच्छे से पक गया है, अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है इसमें पूरी करी। दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, बाकी खा के पता चलेगा कैसा बना है। तो इसमें अच्छा, कोरियन डिश में क्या होता है ना कि मैंने जितना नोटिस करा है इस डिश के बारे में देखते हुए, या एक दो डिश और देखी है मैंने कोरियन, उसमें ना सेसमी सीड्स और ग्रीन ऑनियन बहुत ज़्यादा डलती है। तो अभी मेरे पास सेसमी सीड तो है नहीं, बट हाँ ग्रीन ऑनियन अवेलेबल है, तो हम इसमें थोड़े ग्रीन ऑनियन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। और हमारी डिश ऑलमोस्ट है तैयार। आई गेस ये जितनी दिखने में टेस्टी लग रही है उतनी टेस्टी है खाने में भी। वाह, गैस कर देंगे बंद और अब इसे गर्मा गर्म करेंगे सर्व। तो हमारी डिश हो चुकी है पूरी तरह से तैयार और अभी हम खुद डिश अगर टेस्ट करके मैं तारीफ कर दूं या फिर जो भी है तो फिर आपको लगेगा भाई खुद बनाए और खुद ही तारीफ, वाओ। तो इसीलिए मैं ये टेस्ट करवाऊंगी अपने घर के छोटे बच्चों से। तो चलते हैं वहाँ पे और उनसे कराते हैं टेस्ट। तो चलिए बच्चों से टेस्ट कराते हैं कि उन्हें कैसी लगी ये डिश। तनिषा टेस्ट करके बताओ कैसी लगी ये डिश। कैसी है खुशबू, तुम बताओ, सच बता रही है ना, सच में सही लगी? कैसी लगी? अच्छी लगी। चलो मिशन कंप्लीट, सारी खाएगी तनिषा। अच्छी लगी, अरे तुम्हारी है, खाओ खाओ खाओ। हमारी डिश हो चुकी है पास, सबने टेस्ट करी, सबको अच्छी लगी। मैंने बच्चों को टेस्ट कराई, उनको भी अच्छी लगी और मैंने खुद से भी टेस्ट करी है, मुझे भी टेस्टी लगी है। मतलब पहली बार कुछ नया ट्राई करना और वो टेस्टी बन भी जाना, तो ये तो यार एक तरह से अचीवमेंट है। एनीवेज अच्छी थी, टेस्टी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आगे भी ऐसी ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए और मेरी जर्नी देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे मिंग्स व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय।